तो गाइस मैं दूसरी साइड आया था पार्क, तो मुझे बहुत सारे प्यारे डॉग्स दिखे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक सेकंड फ्रंट कैमरा करने दो। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं नहा के आ चुका हूँ और मैं बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी घर में। अब मैं ब्लॉग बाद में करूँगा क्योंकि मैं ट्यूशन के लिए लेट हो चुका हूँ। मतलब मैंने अभी लाइट आई है ना 5 मिनट पहले, तो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। 3:40 हो चुके हैं तो मैं ट्यूशन के लिए निकल रहा हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम ट्यूशन के हो चुके हैं लेट, बहुत ज़्यादा लेट। हाँ लेट तो हो गए हैं। और बस आती थी मेरी टाइम पर, मैं निकला घर से बहुत लेट, या बाल भी अच्छे से नहीं बने पता नहीं, नहा के निकल गया ना मैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा था ट्यूशन के लिए। तो गाइस अब पैदल ही जाना पड़ रहा है और मेरा ट्यूशन यहाँ से मेरे घर से 1 किलोमीटर, तो अब पैदल ही जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर। तो गाइस अब चलते हैं। तो गाइस मैं ट्यूशन के पास आ चुका हूँ, टाइम हो रहा है 4:05 और मैं 5 मिनट क्लास के लिए लेट हो चुका हूँ। तो अब मैं भग के जाता हूँ, पास में आ जाऊँ, तो अब मैं आप क्लास के बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस हम ट्यूशन से बाहर आ चुके हैं, चलते हैं घर, फिर दिखाते हैं हम आपको आगे। तो गाइस घर तो आ चुके हैं, अब फिर से बाहर जाना है स्टैंड पे, एक दोस्त ने बुला लिया, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना इसलिए। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम बस स्टैंड के पास आ चुके हैं और हम अपने दोस्त से मिलवाते हैं, रितिक। तो ये मेरे स्कूल में मेरी क्लासमेट थी 1st से लेके 10th तक, अब इसने कॉमर्स ले ली, मैंने साइंस ले ली। तो पर बहुत दिन से मिले नहीं थे इसलिए मिल लिए। क्या बहुत दिन से मिले नहीं थे इसलिए मिल लिए। तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं, अब बातें कर रहे हैं और तो वाइस मिलते हैं, हम डियर पार्क में मिलते आपको, पार्क जा रहे हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं डियर पार्क, अब आपको मैं बैक कैमरे से व्यू दिखाता हूँ। इस वाले गेट पे डिस्ट्रिक्ट पार्क लिखा है, हॉज कास्ट डियर पार्क होना चाहिए। तो ये है एंट्रेंस, देखो मेरी दोस्त ब्लॉगिंग कर रही है, उससे ही करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस बहुत दिनों बाद आई है ना इसलिए ब्लॉगिंग करने का मन कर रहा है इसको, इधर देख के करा ब्लॉगिंग कर लिया। तो गाइस हम पार्क में आ चुके हैं, चिलचम बीच पार्क के, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा व्यू है, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा। देखो ये भी ब्लॉगिंग करने लगी, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये भी ब्लॉगिंग कर रही है। नो गाइस, नो गाइस, मैं स्ट्रीक बना रही हूं। स्ट्रीक बना रही है भाई, पता नहीं क्या स्नैप पे स्ट्रीक बना के क्या मिलेगा बच्चों को, लोगों को। तो गाइस मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कैसा व्यू है। तो गाइस बंदर आ चुका है, आराम से जा रहे हैं अपने आप। तो गाइस मैं सबसे टॉप पे आ चुका हूँ डियर पार्क के, हाँ टॉप ही है शायद से, आपको व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस अब एक झील का चक्कर मार के चलते हैं घर वापस। तो गाइस यहाँ बंदर पूरे झुंड में बैठे हैं। यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखो यहाँ पे बैठ गई है, जूम नहीं होता, थक गई बेचारी। तो गाइस मैं दूसरी साइड आया था पार्क, तो मुझे बहुत सारे प्यारे डॉग्स दिखे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक सेकंड फ्रंट कैमरा करने दो। तो गाइस एक लैब्रा,
फर्स्ट वाला, दूसरा कौन सा दिख नहीं रहा, शायद जर्मन शेफर्ड है, नहीं जर्मन शेफर्ड तो नहीं है। तो गाइस यहाँ पे एक और लेब्रा, एक और लेब्रा वहाँ पे शायद से वो है, कौन सा है उसका डॉग का नाम, गोल्डन रिट्रीवर का शायद से पपी है। एक सीट जो दिखा हमें पार्क में, वो एक छोटा सा पग भी आया है। अब हम पार्क से बाहर आ चुके हैं, अब हम घर जा रहे हैं, तो घर पे मिलते हैं। तो गाइस हम आए थे गन्ने का जूस पीने, तो गाइस हमारा गन्ने का जूस आ चुका है। तो गाइस हम पार्क से वापस आ चुके हैं, भूख लगने लगी है, तो चलो देख के आते हैं खाना बना है नहीं बना। तो गाइस खाने में बन रही है बिरयानी, तो टाइम लगेगा अभी, तो मैं देख के आया हूँ कम से कम आधा घंटा। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सनसेट अभी टाइम है होने में, हो चुका है 50%, वही क्या बोल रहा हूँ मैं।